खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां शोभा यात्रा लोक माता अहिल्याबाई होलकर जन कल्याण समिति फिरोजाबाद द्वारा 7 जून 2024 को शिवम रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा के अध्यक्ष दिनेश चंद्र बघेल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा 9 जून 2024 दिन रविवार को निकाली जाएगी। अध्यक्ष जी ने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ होने से पूर्व गांधी पार्क में वरिष्ठ जनों का स्वागत सम्मान व विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री प्रेमपाल सिंह, धनगर विधायक टुंडला, वीपी सिंह बघेल, संतोष बघेल, सूरजपाल बघेल, चेतन बघेल आदि लोग शोभा यात्रा में पदाधिकारी हैं। गांधी पार्क में पहले विचार वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह, इसके बाद शाम को 5 बजे शोभा यात्रा शुरू होगी और शोभा यात्रा में 20-25 लड़कियाँ आरती भोला मेरे गांधी के साथ भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा कहाँ से और किस समय कहाँ तक पहुँचेगी? शाम को 5 बजे से लेकर गांधी पार्क से लेकर शंकर चौराहे कोटला रोड होता है, शोभा यात्रा कहाँ से और कहाँ तक पहुँचेगी? शोभा यात्रा गांधी पार्क से प्रारंभ होगी लगभग 5 बजे और शंकर चौराहे होते हुए बर्फखाना होते हुए एहसास के कॉलेज कोटा चौकी होते हुए दखन पर माती चलिए प्रथमा स्तर पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में कितनी झांकियां कितने बैंड रहेंगे? शोभा यात्रा में अपने नगर के सबसे अच्छे 2 बैंड रहते हैं, लगभग 20 इनकी झांकियां रहती है। ये अपने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद का सबसे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली जाती है। वर्ष 2016 से शोभा यात्रा का शुरुआत हुई है और आज तक ये इतिहास रखी जा रही है कि पूरे प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त होता है शोभा यात्रा का। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।